सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ बेसिक एंड एडवांस टेक्निक्स जिससे कि आपका पेंसिल कलर काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन। सो कलरिंग करते वक्त आपका पेंसिल ऐसा नहीं दिखना चाहिए, आप हमेशा अपना पेंसिल को शार्प रखा करो जिससे कि आपका परफेक्ट शेडिंग हो। सो अब चलते हैं हमारे बेसिक टेक्निक्स की ओर। हमारा पहला टेक्निक है हैचिंग। ये टेक्निक काफ़ी सिंपल है, आपको बस अपना पेंसिल स्ट्रोक को एक ही डायरेक्शन में रखना है, कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर। एंड मैं कोई एक्सपेंसिव पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स का पेंसिल जो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है एंड चीप प्राइस भी है उसका। सो हमारा दूसरा टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। सो क्रॉस हैचिंग में जैसे हमने हैचिंग किया था वैसे ही पहला स्ट्रोक हमें हैचिंग ही करना है इसमें भी। उसके बाद पहले स्ट्रोक्स को कट करना है किसी दूसरी डायरेक्शन से, लाइक इसमें दो स्ट्रोक्स कट होते हैं इसलिए इसे बेसिकली क्रॉस हैचिंग ही कहा जाता है। सो नेक्स्ट है हेवी प्रेशर। सो इस टेक्निक में आपको थोड़ा प्रेशर लगाकर एरिया को पूरी तरीके से फिल कर देना है और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट है लाइट प्रेशर। सो ये तो सिंपली नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले वाला हेवी प्रेशर था, इसमें आपको लाइट प्रेशर अप्लाई करना है। तो ये ऊपर के चार हैं कुछ बेसिक टेक्निक्स, अगर ये आप लोग उतना प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट नीचे के जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो आपको आना ही चाहिए अगर आप लोग रियलिस्टिक वर्क करते हो या फिर करना चाहते हो तो। सो एडवांस टेक्निक में सबसे पहला है लेयरिंग। सो लेयरिंग में बेसिकली दो से तीन कलर को मिक्स किया जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट शेड चढ़ाऊंगा लाइट ब्लू का, लेट्स सी क्या कलर बनता है। एज यू कैन सी हमें एक न्यू शेड मिला है ग्रीन का। सो लेयरिंग बेसिकली न्यू शेड बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। सो गाइस, इसके बाद हमारा टेक्निक आता है बर्निशिंग। सो बर्निशिंग जस्ट लाइक सिमिलर है लेयरिंग की तरफ। सो फर्स्ट हम लेयरिंग करेंगे, ओके। सो हमने ब्लू कलर का लेयर चढ़ा दिया, अब हम सेकेंड शेड का लेयर चढ़ाएंगे सेम एज लेयरिंग जैसे कि उसमें चढ़ाया था। सो गाइस, लेयरिंग में हमने इतना करके छोड़ दिया, बट बर्निशिंग में क्या है, अगर लेयरिंग करके आपका जो फाइनल कलर आया है अगर आपको उसको रखना है, ओके, देन इसके बाद आपको हेवी प्रेशर मतलब जो लास्ट कलर आपने चढ़ाया उसको हेवी प्रेशर के साथ अप्लाई करना होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे पर्पल चाहिए तो मैं वही पर्पल जो लास्ट में कलर चढ़ाया था उसे फाइनल हेवी प्रेशर के साथ चढ़ाऊँगा। तो अगर आप
किसी भी कलर को एक बार बर्निश कर दिए उसके बाद आप उसके ऊपर कोई और लेयर नहीं चढ़ा सकते हैं, कि उसके बाद आपका सरफेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर और कोई शोफ नहीं चढ़ेगा। सो नेक्स्ट वन इज़ ग्रेडियंट। इसमें आपको 2 से 3 शेड को स्लाइटली ब्लेंड करना है एक दूसरे से। एंड द लास्ट वन इज़ वाइट ब्लेंडिंग। इसे ग्रेडियंट वाइट भी कहते हैं बिकॉज किसी भी शेड को वाइट के साथ ब्लेंड करना होता है इसमें। आपको सेम प्रोसेस फिर से करना है वाइट के साथ बट अपोजिट डायरेक्शन से। इस बार राइट टू लेफ्ट आना है आपको। सो गाइस, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 स्केच है। इससे आप इजिली समझ सकते हो, जैसे कि हेवी प्रेशर का टेक्निक मैं इस जगह पे यूज़ किया हुआ एंड फिर लेयरिंग इस जगह पे यूज़ हुआ है लाइक लाइट ब्लू एंड फिर डार्क ब्लू का लेयरिंग मैं यहाँ पे किया हूँ। एंड फिर इस स्केच में समझ सकते हो आप लोग ग्रेडियंट टेक्निक का, जैसे कि हेयर में मैं यूज़ किया हूँ कैसे ये ब्लू से धीरे धीरे ग्रीन में चेंज हो गया है। एंड फिर वाइट ब्लेंडिंग टेक्निक का मैं हैंड में किया हूँ लाइक स्किन कलर के साथ फिर वाइट से ब्लेंड किया हूँ, तो ये हाईलाइट इफेक्ट आया यहाँ पे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को अब ईजली समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड फिर आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।